आप अच्छा अगर करेगा ग्राइंड करके मतलब। प्यूरे बनाना है, आप देख सकते हैं किस से तरह। सफेद वाला जीरा है, फिर थोड़ा इस तरह क्रश करके डालना है। गर्म पानी में डालने से इस तरह सॉफ्ट हो जाता है पनीर। ये चॉप धनिया, फ्लेवर सर मैं आप फीडबैक ट्राई दे देना। कर थैंक यू। अभी 5 मिनट हो गए हैं गर्म पानी में डाले हुए। अभी इसे हम स्ट्रेन करेंगे और सीधा ठंडे पानी में डालना है। और स्ट्रेन करने के बाद ये पानी को फेंकना मत, पानी को हम बाद में ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने ठंडा पानी लिया है, आप चाहे तो आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। ठंडा पानी में डालता है क्योंकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाता है, फ्रीज कर देता है ठंडा पानी, और जो कलर है वो मेंटेन रहता है ग्रीन कलर। एक 2-3 मिनट रखना है। और यही गर्म पानी में हम पनीर को कट करके डाल देंगे ताकि जो पनीर है सॉफ्ट रहे। कोई भी साइज का काट सकते हैं आप। आप अगर ग्रेवी में फ्राई करके डालना चाहते हैं तो फ्राई करके आप इसे गर्म पानी में डाल देना। अभी हम इसे साइड में रखेंगे और जो पालक हमने जो स्ट्रेन किया था उसका प्यूरी बनाएंगे। पालक को एक ग्राइंडर में डाल देना है, ग्राइंडर जार में, और इसके साथ में एक मिर्ची और थोड़ा सा धनिया का स्टेम डालना है और इसे अच्छे तरह ग्राइंड करके लेना है, प्यूरी बनाना है। यहाँ पे मैंने एक मिर्ची लिया है। और थोड़ा धनिया का स्टेम, इसे अच्छे तरह ग्राइंड करके प्यूरी बनाना है। आप देख सकते हैं किस तरह प्यूरे अच्छा स्मूथ हो गया है, ये टेक्सचर होना मांगता है। और कलर भी देख सकते हैं आप, ग्रीन है बिल्कुल। अभी हम इसका मसाला बनाएंगे। इसके लिए एक प्याज ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल फाइनली चॉप करना है। पैन गर्म होने के बाद उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे जीरा, शाही जीरा भी डाल सकते हैं आप, मेरे पास है सफेद वाला जीरा है। इसे थोड़ा इस तरह क्रश करके डालना है। जीरा फूटने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून बटर डालना। और इसी के साथ में प्याज,
प्याज को थोड़ी देर फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने यहाँ पे रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, आप चाहे तो घर पे पीस भी सकते हैं। और अगर आपको स्पाइस लेवल ज्यादा मांगते हो तो आप और एक मिर्ची इसमें डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ही मिर्ची लिया है जो ग्राइंड करते टाइम यूज किया था। अभी हम इसमें डालेंगे चॉप टमाटो, इसी के साथ में डालना धनिया का स्टेम, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा रिलीज करता है ग्रेवी में। अभी हम इसमें डालेंगे मसाला कश्मीरी चिल्ली पाउडर, ज्यादा नहीं डालना है, एक टीस्पून ही डालना है। धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, इसे अच्छी तरह फ्राई करना है थोड़ी देर। ध्यान रहे फ्लेम को कम करके फ्राई करना, नहीं तो मसाला जो है जल जाएगा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पाउडर, ड्राई पाउडर, ये ऑप्शनल है। और इसी के साथ में डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें डालेंगे पालक के प्यूरे जो हमने ग्राइंड करके रखे थे। इसी के साथ में जो स्ट्रेन किया हुआ पानी थोड़ा मिक्स करके डाल देना। इसे बॉईल होने देना है। अब हम इसमें डालेंगे दूध और बटर का मिक्सचर, इसमें मैंने बटर को थोड़ा मेल्ट करके डाला है ग्रेवी को थोड़ा रिचनेस लाने के लिए। अभी हम इसमें डालेंगे क्रीम, आपको अगर ग्रेवी का कंसिस्टेंसी थोड़ा और मांगता है तो वो स्ट्रेन किया हुआ पानी डाल सकते हैं आप। मैं यहाँ पे थोड़ा और पानी डाल रहा हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे पनीर जो मैंने गर्म पानी में डाल के रखा था। आप देख सकते हैं गर्म पानी में डालने से इस तरह सॉफ्ट हो जाता पनीर।
एक दो मिनट पकाना है, उसके बाद ऑफ कर देना है। पनीर रेडी हो चुका है, अभी हम ऑफ कर देंगे गैस। इसके बाद ऊपर से हम डालेंगे एक स्पून घी, ये फ्लेवर एनहांसर के लिए, थोड़ा और क्रीम, चॉप धनिया। आप चाहे तो गरम मसाला डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है। रेसिपी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे देना। थैंक यू।